वालेकुम, मैं हूँ सना अमजद और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, क्या आप गेस कर सकते हैं कि आज मैं कहाँ पर मौजूद हूँ? इन कलर्स को देखिए और थोड़ा सोचिए और जानने की कोशिश कीजिए, बूझने की कोशिश कीजिए कि मैं आज कहाँ पर मौजूद हूँ। अगर अभी तक आपको समझ नहीं आई तो मैं बताती हूँ कि मैं आज मौजूद हूँ एक गोले के स्टॉल पर। जी नाजरीन, ये आइस गोला है जिसे आइस कैंडी भी ज़्यादातर लोग कहते हैं। बचपन की हमारी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं इस गोले के साथ। आइए उन्हीं यादों को ताज़ा करते हैं और आपको दिखाते हैं ये रंग भरा गोले का ठेला। कैसा लगा आपको इनका गोला? जी, ये मैंने आपके सामने ही खाया है और आपने ख़ुद भी देखा होगा कि जितनी चीज़ें और जितनी हाइजीनिक स्टफ़ इसके अंदर डाला हुआ है, मेरे ख्याल से कहीं और मैंने नहीं यूज़ किया। मैं यहाँ पर वैसे एक डेली बेसिस पे आता हूँ और फ्रेंड्स वगैरह भी मेरे सारे यहाँ पर, एक तो कंपनी रहती है क्योंकि सिटिंग वगैरह इनकी काफ़ी बेहतर है, छोटी सी इन्होंने मिनी स्ट्रीट बनाई हुई है, फूड स्ट्रीट वगैरह। तो ज़्यादा मकसद ये है कि एक तो हाइजीनिक स्टफ है, सेकेंडली ये है कि ये जो खोया यूज़ करते हैं वो प्योरली मिल्क बेस्ड है, बाकी सारे जो हैं वो जो सिंपल कैंड होते हैं वो यूज़ करते हैं। इनके अलावा ये इनका एक तो बड़ा स्पेशल फीचर है। सेकेंडली ये फ्रूट हमेशा फ्रेश होता है, मैंने काफ़ी दफ़ा आया हूँ, मैं यहाँ पे देखा भी आया खुद भी, तो हमेशा ये रेगुलर बेसिस पे फ्रूट्स लाते हैं तो ताज़ा फ्रूट सारे पड़े होते हैं। और बाकी ये हाथ वगैरह पे ग्लव्स वगैरह भी होते हैं, लड़के वगैरह सब बड़े बड़ा हाइजेनिक स्टफ़ किया होता है। टेस्ट कैसा लगा आपको इनका? टेस्ट इनका ज़बरदस्त है क्योंकि इनके पास एक रेंज ऑफ फ्लेवर्स मौजूद हैं, जैसे मेरा फेवरेट जो है ऑरेंज है और रेस्बेरी है जो ब्लू कलर का था, तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा और इसका फ्रूट्स के साथ कम्बिनेशन इट्स फैंटास्टिक। ये जो गोला है इसके साथ बचपन की बड़ी यादें वाबस्ता है। मुझे याद है जब मेरा बचपन था तो मैं तिनके पे गोला खाती थी और बड़ा मज़ा आता था, जब उसको हम बार बार चूसते थे तो गोला का जो था ऊपर से फ्लेवर ख़त्म हो जाता था, नीचे से वाइट बर्फ़ निकल आती थी। तो आज ग्लास के अंदर आपने खाया, क्योंकि अब तो जाहिर है जदीद दौर के साथ जदीद तरीके आ गए हैं, तो कैसा लगा एक ग्लास में खाना? हाँ जी, जो स्टिक वाला है उसकी एक अपना ही एक चार्म है, एक मेमोरीज़ भरी उसके साथ वाकई बड़ी अटैच्ड है, लेकिन वो इस वजह से है क्योंकि उसके साथ फ्रूट्स वगैरह का कम्बिनेशन नहीं हो सकता। नो डाउट कि आप बचपन से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन ये जो फ्रूट्स का कम्बिनेशन है और एक मतलब एक नेक्स्ट लेवल चीज़ बनाते हैं, तो फिर जाहिर बात है इसमें खाना पड़ता है कप में और ग्लासेस वगैरह में, लेकिन अगर अभी आप कंपेयर करेंगी तो स्टिक वाला हैज़ नो कंपेरिजन विद एवरीवन। मैंने ऑरेंज और ब्लूबेरी मंगवाया था, यहाँ पे मैं अक्सर आता हूँ गोला खाने के लिए। यहाँ पे गोले के अलावा और भी चीज़ें मिलती हैं, ये तकरीबन एक हिसाब की हमने फ्रूट स्ट्रीट ही बनी हुई है। यहाँ पे फिलाजी चीज़ भी है, मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ फिलाजी चीज़ खाता हूँ, पिज़्ज़ा और साथ में भी गोला लाजमी में ट्राई करता हूँ। गोला ये हमारे वाकई बचपन की यादें हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है जब हम गोला खाते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए। गोला कैसा लगा आपको इनका? बहुत ही अच्छा था, इनकी आउटस्टैंडिंग समझ लें इसका, क्योंकि मैंने आज तक कभी इसका मुझे आइसक्रीम का टेस्ट भूल गया। मुझे यही लगता है कि आइसक्रीम एक अच्छी चीज़ है खाने को मिलती थी, लेकिन ये आइसक्रीम से भी अच्छा है गोला इनका। इसमें कभी घर में ट्राई किया गोला बनाना? घर में नहीं कभी ट्राई किया गोला बनाने का, इंशाल्लाह इसके बाद करूँगा, आपने अच्छा प्लान दिया मुझे। आपको सबसे अच्छा फ्लेवर इनका कौन सा लगता है? मुझे ब्लूबेरी अच्छा लगता है और ऑरेंज अच्छा लगता है इनका। आज कौन सा खाया? आज ब्लूबेरी और ऑरेंज। आज सबने ब्लूबेरी खाया है? जी, क्योंकि वो अच्छा ही है, बेस्ट इनका ये है वो। और क्या क्या डलवाया था आपने अपने गोले में? मैंने पिस्ता भी डलवाया था, बादाम भी थे और फ्रूट्स भी थे अंदर गोले के। कभी जब बचपन में खाते हैं उसमें फ्रूट वगैरह नहीं होते, इधर से आए हैं किंग्स फूड हब पे। यानी कि ईद हो गई? जी, हमारी तो बिल्कुल ईद हो गई। गोले के अंदर बादाम भी थे, पिस्ता भी था, फ्रूट वगैरह भी थे, बहुत अच्छा था, जब खाते थे मज़ा आता था। जाहिर है मज़ा तो आता होगा जब इतने ज़्यादा मतलब काजू बादाम पिस्ता होंगे और वो ठंडे ठंडे होंगे, और गर्मी में तो वैसे भी मज़ा आता होगा। तो मुझे बताएं कि आप रेगुलर बेसिस पे आते हैं यहाँ पे? जी, रेगुलर बेसिस पे आते हैं, हम दोस्त वगैरह इकट्ठे होकर इधर आते हैं। इनका मसाला खाना भी बहुत अच्छा है, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह जो ना हम खा के जाते हैं, और गोला तो लाजमी खा के जाते हैं साथ में। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइए कि कितना अरसा हो गया आपको स्टॉल लगाए?
ये तकरीबन वन ईयर हो गया इधर हमने गोला स्टार्ट किए हुए। तो क्या डिफरेंट है आपका गोला बाकी लोगों से? हमारा बिल्कुल ही डिफरेंट है बाकी लोगों से। हम जो हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम एक तो खोया खुद तैयार करते हैं, बाकी जो हम ज़्यादातर लोग हैं वो कंडेंस मिल्क वगैरह यूज़ कर देते हैं। हम प्रॉपर जो है टाइम लगा के उसे खोया डालते हैं, उसके बाद ये तैयार करते हैं। फ्लेवर हमारे जो हैं वो डिफरेंट है, 12 फ्लेवर है हमारे पास जो कि लाहौर में कहीं से भी अवेलेबल है नहीं। अगर किसी के पास होंगे वो एक दो ही होंगे, ये सिर्फ हमारे पास ही है जो हम 12 जो है ना फ्लेवर। तो इसके अंदर एडिशन कौन कौन से फ्लेवर्स हैं नाम बताइएगा? हमारे पास ब्लूबेरी है, रसबेरी है, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, एप्पल, और उसके अलावा जो कस्टमर हमें पहले अगर बताए कि ये हमें इस तरह का फ्लेवर चाहिए हम वो भी अवेलेबल कर दें। अब आप जैसा कि जानते हैं कि गर्मियाँ आ चुकी हैं तो लोग तो बड़ा पसंद करते होंगे गोला। बस बहुत ज़्यादा फैमिलीज हमारे पास बहुत लगी हुई हैं जो आगे खास इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारा गोला जो हाइजेनिक है, जो आइस वगैरह जो है प्रॉपर हम खुद तैयार करते हैं, फ्लेवर हर चीज़ जो है सफाई सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। अच्छा मैंने देखा था आपने गोले के अंदर एप्पल भी डाला था, बनाना भी डाला था, पाइनएप्पल भी था, तो ये जो है ये डेली बेसिस पर आप फ्रूट मंगवाते हैं? जी जी बिल्कुल डेली बेसिस पे। अभी तो सिर्फ आपने एप्पल और बनाना देखा है, जैसी गर्मियाँ स्टार्ट होंगी इसमें मैंगो भी ऐड होगा, इसमें और सारे जिस तरह पीच हो गया ये सारे जो है ना फ्रूट जो है वो ऐड किए जाएंगे। और इसमें ड्राई फ्रूट भी मैंने देखा था, कौन कौन से ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करते हैं आप? इसमें बादाम है, पिस्ता है, इसमें किशमिश वगैरह ऐड करते हैं, इसके अलावा भी और भी स्प्रिंकल्स वगैरह हम इसमें ऐड करते हैं, चॉकलेट्स ऐड करते हैं, काफ़ी कुछ ऐड करते हैं। मतलब कस्टमर जो है आने वाला वो अपनी पसंद से अपनी मर्जी के मुताबिक गोला बनवा सकते हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बताएं कि तिनके वाला गोला आपने क्यों नहीं रखा, ग्लास में गोला सर्व करते हैं, इसके पीछे क्या साइंस है? कहीं बचपन में ऐसा तो नहीं हुआ कि आपका गोला तिनके से गिर गया हो? बस गिरते रहते हैं, लेकिन हम तिनके वाला भी गोला देते हैं, ये डिमांड पे बनाया जाता है कि अगर कोई आगे कस्टमर कहे कि हमें तिनके वाला, वो तिनके वाला भी मिलता है, लेकिन कुछ ट्रेंड हमने चेंज किया इसका, तो इसलिए क्योंकि मैं एज अ सिविल इंजीनियर हूँ तो हमने सिविल इंजीनियर कंपनी से ये हमने ये आइडिया आया था तो कुछ फ्रेंड्स को, तो हमने फिर ये गोला स्टार्ट किया। मैंने यहाँ पे जो लोगों से बात की मोस्टली जो मैंने देखा यहाँ पर ज़्यादातर मैंने देखा फ्रेंड्स आते हैं गेट टुगेदर के लिए, उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर फ्रेंड्स बैठ सकते हैं गेट टुगेदर के लिए। जी बिल्कुल, ये फ्रेंड्स मेरे भी काफ़ी इधर फ्रेंड्स हैं तो उसके साथ जो है वो फैमिलीज वगैरह, तो फ्रेंड्स ही ज़्यादातर आते हैं, फैमिलीज वगैरह जो सारा कुछ इकट्ठा हो गया। तो इस वक्त हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? बस कुछ भी यही कि गर्मियाँ वगैरह आ रही हैं, आके इंजॉय करें, एक दफ़ा जाके टेस्ट करें किंग सूडा पे। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया एक गोले का ठेला जो कि मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया, क्योंकि बचपन में मैं जब गोला खाती थी तो हमेशा स्टिक पर खाती थी, और जब मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाती थी और मुझे ढेर सारा गोला खाना होता था तो मैं अपनी एक प्लेट घर से ले जाती थी गोले वाले के पास, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि अंकल मुझे तिनके में गोला बना के देने की बजाय ना आप ऐसा करें 5 रुपये मुझसे ज़्यादा ले लें और मुझे प्लेट में गोला बना दें ताकि मैं देर तक उसे खा सकूं और उसका जो मिठास है गोले की जो मिठास है वो देर तक मुझे जो है महसूस होती रहे और गोले की ठंडक मैं देर तक महसूस कर सकूं। और आज मेरी बचपन की बहुत ज़्यादा यादें जो हैं इस गोले के साथ ताज़ा हो गई हैं। उम्मीद है ये प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना अमजद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।